तो फ्रेंड, आज हमारा कश्मीर का ये चौथा दिन है। आज यहाँ पर बेताब वैली और वहाँ पे एक दो पॉइंट और है, वो एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद आज दोपहर के बाद हम यहाँ से रवाना होके श्रीनगर की ओर जाएंगे। उसके बाद आगे का प्लान क्या होता है देखते हैं। आज ये होटल हेरिटेज इन चेकआउट करने का टाइम आ गया है, तो चलो दोस्तों बाहर निकलने के बाद दिखाता हूँ मैं, और होटल रिसेप्शन से भी बात करेंगे। चलो बात करते हैं। तो हम आ गए हैं नीचे लॉबी में रिसेप्शन काउंटर पे, और यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे और नेक इंसान मिले, अली भाई और भाई साहब का मलिक नाम भाई, है मलिक भाई मलिक भाई। जिन्होंने और गुफा ढूंढा था, अच्छा, कौन सा गुफा ढूंढा आपने? अमरनाथ बाबा का। अच्छा, अमरनाथ बाबा का आपने गुफा ढूंढा था, बहुत हमारा अच्छा परदादा ने लगा ढूंढा था। आपके पास। हम लोगों को एक दिन यहाँ रुकना था, बट आपका नेचर, आपका स्वभाव हमें अच्छा लगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 दिन रुके। और ये अली भाई बहुत मुझे मानव अच्छी, बंदा है, हाँ, हमारी इन्होंने अच्छी हेल्प की। यहाँ के जो लोकल गाइड की भी हमें जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने हमें गाइडनेस ने अच्छा दिया कि हम डायरेक्ट कम खर्चे में घूम आए। अली भाई, आप क्या कहने चाहोगे सभी देखने वाले? जी सर, मैं सबको ही मेरी तरफ से नमस्कार और सलाम। और जितने भी लोग यहाँ कश्मीर आना चाहेंगे आ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना हेल्प हमारे से हो सकता उतना तो हम हेल्प करेंगे, तो हमारी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। थैंक यू, ओके सर, धन्यवाद वेलकम सर, अली भाई, थैंक यू वंस अगेन। तो फ्रेंड, अब हम लोग जा रहे हैं आरू वैली और बेताब वैली के लिए। यहाँ से टैक्सी हायर करेंगे, उसके बाद देखते हैं ऊपर जाके। आरू वैली मतलब लगभग यहाँ से 6 या 7 किलोमीटर दूर है पहलगाम से, सिटी से। और यहाँ से टैक्सी वालों से बात करते हैं कि क्या चार्ज करेंगे। और हम लोग 3 लोग हैं, मदनलाल और ओम प्रकाश जी मिल। फिर यहाँ से आज दोपहर तक यहाँ का साइन शीट करने के बाद हम लोग निकलेंगे अगले डेस्टिनेशन पे। फिर हम दिखाएंगे वहाँ का लोकल एक्सप्रेस और वहाँ का नज़ारा। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ एंजॉय करिए आप भी। तो दोस्तों, हमने फाइनल यहाँ से एक टैक्सी हायर कर ली है, होंडा MH, और हम लोगों से चार्ज किया गया है 2350 रुपये। आरू वैली और बेताब वैली चंदनवाड़ी, ये भाई साहब हमें 3 पॉइंट दिखाएंगे, और उसके बाद में ऊपर जाके देखते हैं वहाँ का कैसा व्यूज़ है, कैसा पॉइंट है। तो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से आरू वैली के लिए। इन सुंदर पहाड़ियों को चीरते हुए हम लोग जा रहे हैं आरू वैली। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ की, सुंदर पहाड़ियाँ। इस एरिया में बहुत सारी फिल्मों की भी शूटिंग हुई है, और आज हम लोग कर रहे हैं यहाँ की शूटिंग। इस नदी के किनारे बहुत लोगों ने, जो बाइकर्स है, अपना पर्सनल प्राइवेट टेंट लगा के जो रहते हैं यहाँ पे, जो प्रॉपर एक्सप्लोर करते हैं, बहुत ही आनंद आता है यहाँ पे। टेंट लगाने के बाद लगा के रहने का मज़ा ही कुछ अलग है। इस एरिया में नदी के किनारे आप टेंट लगा सकते हो। यहाँ का गवर्नमेंट का कोई थोड़ा बहुत रूल है, परमिशन देना पड़ता है, नॉर्मल चार्ज रहता है, तो वहाँ पे करके इन सुंदर पहाड़ियों के नीचे नदी के किनारे आप टेंट या तंबू लगा सकते हो, और यहाँ पे 2-4 दिन एक्सप्लोर कर सकते हो आप।
फ्रेंड्स, हम इन सुंदर पहाड़ियों को चीरते हुए आगे, ये आरू विलेज है और ये आरू वैली। पहुंच के आरू वैली में हम देखते हैं वहाँ के रुक के नज़ारे, उतरेंगे, फ़ोटो शूट करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे बेताब वैली। फ्रेंड्स, हम लोग आरू वैली में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पार्किंग में टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी पार्किंग कर दी। हम लोग ये होंडा इमेज लेके आए थे जो आप पीछे देख रहे हो। तो अब हम लोग चलते हैं आरू वैली, जो पैदल चल के हमें जाना पड़ेगा ऊपर, लगभग 400-500 किलोमीटर बताया, मीटर बताया, बट जाके देखते हैं एक्चुअल में कितना है। जम्मू एंड कश्मीर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है यहाँ पे। यहाँ पे लोकल लोगों ने शॉप्स लगा रखी है, आप यहाँ पे चाय कॉफ़ी ब्रेकफास्ट कर सकते हो। थोड़ा चल के आए इसलिए हम थक गए हैं। हम लोग यहाँ टेस्ट के लिए इनसे ये ले रहे हैं ड्राई फ्रूट, यहाँ के लोकल ड्राई फ्रूट। आरू वैली में आने के बाद यहाँ के लोकल्स जो है उनकी ये शॉप है, ये नीचे से अपनी प्राइवेट कार से लेके आते हैं, उसके बाद में यहाँ पे ये लोग शॉप अपनी सजाते हैं, बहुत ही सुंदर। और यहाँ का ये ड्राई फ्रूट टेस्ट करके आपको बताएंगे कैसा है। ये भाई साहब से मिक्स करके हमने लिया है, तो आपको बताऊँगा मैं खाने के बाद कैसा क्या टेस्ट है। हम आ चुके हैं आरू वैली की इन सुंदर पहाड़ियों के बीच में। ये एक बसा हुआ छोटा सा विलेज, यहाँ के होटल, यहाँ की खूबसूरती। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, अभी भी एक ऊपर मूवी की शूटिंग चल रही है, पता नहीं कौन सी मूवी की शूटिंग चल रही है यहाँ पे। बेताब, यहाँ पे एक बेताब वैली भी है, जो बेताब मूवी बनी थी उसी से उसका नाम बेताब वैली पड़ गया है। ये आरू वैली है, यहाँ पे बहुत सारी फिल्म की शूटिंग हुई है, होती रहती है हमेशा, देखने जैसा माहौल है यहाँ का। यहाँ पे आधा घंटा घूमने के बाद अब हमारी वापस जाने की तैयारी गाड़ी की ओर, और फिर हम दूसरे डेस्टिनेशन पे जाएंगे बेताब वैली। यहाँ पे इस भाई से हमने थोड़ा पैदल चलने के बाद ड्राई फ्रूट वाला वो ब्रेकफास्ट करने के बाद वो मीठा मीठा था, हम लोगों का मन किया कि भाई ये चाट खाया जाए, हमने ये चाट खाया है। उसके बाद फिर वापस हम जाएंगे वापस गाड़ी की ओर, और उसके बाद जाएंगे बेताब वैली। वैली के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं नीचे टैक्सी में, और जाने से पहले यहाँ पे टी पॉइंट पे चाय पियेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे बेताब वैली। आसपास पहाड़ियों का दृश्य बहुत सुंदर है, पर यहाँ पे रास्ते पे जो घोड़े वगैरह जो ऊपर जाते हैं उनका वेस्टेज रस्तों पे बिखरा पड़ा है, ये थोड़ा देखने में बड़ा बेकार सा लगता है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे बेताब वैली। लोकल्स अपनी गाय और घोड़ों को चराने के लिए ले जाते हुए इन सुंदर पहाड़ियों में। यहाँ पे जो लोकल विलेजेस, जो विलेज के लोग हैं, वो शहर में आने जाने के लिए ज़्यादातर इन घोड़ों का सहारा लेते हैं। इन घोड़ों के सहारे से जो सामान, जैसे सामान लाद रखा है बाज़ार से, कोई राशन का सामान ले आना है, और जो भी इनका जो सामान है, जीवन गुजर का जो सामान है, इन घोड़ों की मदद से शहर से और शहर से अपने घर लेके आते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं चंदनवाड़ी, जहाँ से अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है,
वहाँ पे अब पहुँचने वाले हैं। वहाँ पे जाने के बाद आपको दिखाएंगे वहाँ के व्यूज, वहाँ पे अब क्या कैसी स्थिति है। तो रास्ते में और ये पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ ये सुंदर रास्ता बहुत ही दिल लुभाने वाला है। जो सामने वाला पहाड़ी है हाँ हाँ जी, हम मना जाता है। अच्छा पैदल चल के। फ्रेंड तो हम पहुंच गए यहाँ पे चंदनवाड़ी में। यहाँ से अमरनाथ जी जाने के लिए यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आप अमरनाथ जी के दर्शन कर सकते हो। तो अभी फिलहाल सितंबर में यहाँ मंदिर का रास्ता आगे बंद है, तो हम खाली एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी भी यहाँ लोग देखने के लिए यात्री आए हुए हैं, बट मंदिर का रास्ता तो बंद है। फिर भी हम जितना नज़दीक होता है उतना जा पाएंगे। यहाँ पे शॉप्स है, आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। जब अमरनाथ का रास्ता खुलता है तो यहीं से लोग जाते हैं, जो ये पैदल रास्ता बना हुआ है इसी रास्ते से ऊपर जाते हैं।